एक मिनट के लिए रोक रहा हूं जयवीर, मोहित हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मोहित दहिया शहीद नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, बहुत मुश्किल से उनके साथ ये कनेक्शन हुआ है जहां हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहित, हम समझ सकते हैं आप किस स्थिति में इस वक्त हैं, आपके चेहरे को देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं। पूरे देश की सरकार, पूरे देश की जनता इस वक्त आपको देख रही है और सुन रही है आज तक पर, आप क्या कहना चाहते हैं देश की सरकार से? एक बात है, सरकार ओपोजिशन सब अलग है, सब पहले देशवासी हैं हम। तो पहले तो गर्व है मुझे मेरे पिता के अमर होने पर, इनके तिरंगे के उसमें जाने पर। अब बात आती है इस चीज़ की सर, कि ये जो गौरव था जो आप देते हो अभी इस समय, ये बस थोड़े समय के लिए रहती है सर। आप जो भी आप लोग बैठे हो, मुझे नहीं पता सर कौन बैठ के बात कर रहे हो, ये हर दिन होता है, कुछ भी होता है सर। मैं नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चनेबल, आप हर अथॉरिटीज़ आंसरेबल है, क्वेश्चनेबल है, आप लोग हर चीज़ करते हो, अपने अपने दम पे कीजिए। पर एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अप्रोच कीजिए सर। मैं सुबह से सिर्फ एक ही गुजारिश कर रहा हूँ, जो भी आपकी रूलिंग पार्टी है, जो भी कुछ है, पहले आप सब एक देशवासी हो। और एक मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है सर कहना कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ, ये कहना मुझे गर्व है। पर इस चीज़ से मुझे ये चीज़ें मांगना कि अब मैं अपने घर को कैसे चलाऊँगा, अब मुझे अपनी मुझे मेरी जॉब चाहिए या कुछ भी चाहिए, ये चीज़ें मांगना इस बात से कह कि मैं एक शहीद का बेटा हूँ, ये बार बार मुझे शर्मसार करेंगी। तो मैं इस बात मुझे सब लोग सुन पा रहे हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोग आर्मी BSF इन सारी चीज़ों से क्यों अपना ये सारी चीज़ों से होता है, ये यही होते हैं कि आप इसके बाद आप कैसे संभालते हो। अभी हुआ हमें गौरव, हमें फील हो रहा है, गौरवता मुझे महसूस हो रही है अंदर से, सुबह तक मुझे महसूस हो रही थी, उसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं आती है सर, ठीक है, खाली हो जाते हैं। मेरी एक माँ है, एक मेरा छोटा भाई है। आप एक बात बताओ, अब मैं इधर उधर पहले जॉब ढूंढ जाके कि माँ को संभालूँ कि घर को संभालूँ, किस किस को संभालूँ, आप एक बात बताओ मुझे। वो गौरवता नीचे जाती है कि नहीं जाती, आप मुझे एक बात बताओ कि गौरवता मुझे खाने को देगी? हाँ, अगर मेरे, मैं एक ही बात कह चुका हूँ कई बार, अगर मेरे पिताजी ने दो मिनट नहीं सोचा एक गोली खाने के लिए देश के लिए, तो आप लोग इतनी प्लीज़ देर मत लगाइए ताकि मेरी माँ भी हो पाए और हम भी अपना आराम से रह पाए। आप अपना करिए, जो भी आपको देश इधर उधर की जो आप बातें करते हैं, पैर पर आप सब एक देशवासी है, हम अपने हर सेकंड से अपने देश के लिए कर रहे हैं। नेशनलिज्म का ट्रू मतलब यही है कि हम जो भी करें अपने देश के लिए कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि जवानों की अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती है तो उन्हें पोलिटिसाइज करने से बेटर है कि आप हेल्प करें किसी की, क्योंकि मेरे पिता ने अगर देश की पूरी हेल्प की है तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि आप बस मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें, एक बस, ताकि मैं घर चला पाऊँ अपना। उसके बाद मुझसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने देश की सेवा अपने आप करूँगा। जो भी सुन रहे हैं ध्यान रखिए इस चीज़ का, और मुझे गर्व है, आंसू में मत जाइए, आंसू सिर्फ इस चीज़ के लिए आते हैं कि आधे खुशी के हैं ये और आधे इस चीज़ के हैं कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब अब कर रहे हैं। पर प्लीज़, जो कहते हैं जो हो जाता है उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर आगे आने के लिए आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। एक जो चीज़ है अब उस चीज़ के लिए हमें बार बार मांगना ना पड़े, उससे फिर शर्मसार हो कल को इधर उधर भटके ना मेरी माँ ये कहते हुए कि वो एक शहीद की विधवा है। तो इस चीज़ का आप प्लीज़ एक बार जोर कीजिए, और कुछ नहीं कहना है मुझे, सबसे पूरे देश को प्रणाम है मेरा, पूरे देश को जय हिंद है मेरा, ठीक है। मोहित, वीर गति को प्राप्त होना सबको नहीं मिलता एक तिरंगे से, बस अभी तक मैं शर्मसार नहीं हुआ हूँ बस मुझे, पर अब आगे शर्मसार मत कीजिएगा कि हर चीज़ पे देरी पहुँचा के, प्लीज़ मुझे एक अश्योरिंग स्टेटमेंट या कुछ भी हो यार, इतना तो आपका फर्ज बनता है, जब अगर मेरे पापा ने आपके लिए इतना नहीं सोचा पूरे देश के लिए, प्लीज़ आप टूटने मत दीजिए मुझे। सुबह से मैंने दाग दिया है उन्हें, मैं हर चीज़ से रखा हूँ, मुझे फैमिली संभालनी है, मैं बड़ा बेटा हूँ, तो प्लीज़ रीच आउट कीजिए, हर चीज़ को पॉलिटिकली मत लीजिए, प्लीज़ समझिए आप लोग अपनी जो बहस वगैरह कर रहे हैं करिए, पर एक देश का मुद्दा है, एक पहले आदमी का मुद्दा है, एक लाइफ का मुद्दा है पहले, तो अगर वो जो चीज़ हुई है प्लीज़ उसको थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश कीजिए, प्लीज़ हेल्प अस आउट। एंड यू नो आई एम प्राउड दैट माई फादर डाइड फॉर माई कंट्री। मोहित, ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, बट प्लीज एक बार मेरी कोई भी, हम लोग आपके साथ हैं मोहित, प्लीज एक बार, ये पूरा देश आपके साथ है, क्योंकि सर आप लोग
कैट जी सर, देश मेरे साथ है सर, बिल्कुल सर, देश आपके साथ, बिल्कुल सर, कोई अगर रूलिंग पार्टी से है तो सर प्लीज एक बार मेरी उनसे बात करा दीजिए। बिल्कुल, संबित पात्रा यहाँ मेरे साथ हैं, सिस्टम का सर वो सबको पता है, संबित पात्रा से आप सीधे बात कर सकते हैं मोहित, और संबित आपकी सारी बातें सुन रहे हैं। संबित, मोहित की बातें सुनने के बाद आप कुछ कहना चाहते हैं, उनको भरोसा दिला सकते हैं कुछ? देखिए, मैं मोहित जी को नमस्कार करूंगा, और मोहित जी का एक बहुत बड़ा कर्ज इस देश पर है। अभी उन्होंने कहा कि उनको गम भी है, उनको खुशी भी है, खुशी इस बात की है कि उनके फादर इतने साहसी थे कि उन्होंने अपनी शहादत दी, और स्वाभाविक है पुत्र होने के नाते पिता को खोने पर गम भी है। और एक बड़ी बात उन्होंने ये कही कि इस पर पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि किसी प्रकार से एक नेता के रूप में बात करूँ, हम लोग क्या चीज़ है। आज जिस मुकाम पे मोहित हैं, मुझे लगता है देश हमको नहीं उनको सुनना चाहती है। मैं इतना ही आश्वासित, मैं तो छोटी सी चीज़ हूँ, इतना ही कह सकता हूँ, इस आर्मी पे मुझे भरोसा है, मोहित को भरोसा है कि ज़रूर उनके पिता के साथ जो हुआ है उसका बदला यही इंडिया की साहसी आर्मी अपने समय पर, अपने तरीके से, अपने स्थान पर अवश्य लेगी। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कह सकता। इतना अवश्य ढाढ़स दिला सकता हूँ कि भविष्य में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। मोहित जो बातें कह रहे हैं संबित पात्रा, उसमें मैं मोहित से ये सवाल पूछता हुआ भी अच्छा नहीं लगूंगा। सुनिए, नहीं कि मोहित, आप पहले बदला चाहते हैं या पहले अपना सुरक्षित भविष्य चाहते हैं? जी सर, कि मैंने सिर्फ इतना कहा है सर, बदला सर, आप एक बात बताइए मुझे, क्या एक सर के बदले एक सर आके आज तक कभी कोई सेटिस्फाई हुआ है? आप मुझे एक बात बताओ, मेरे जो मेरे पिता की जो जगह है वो नहीं आ सकती है। देश अपनी सेवा करेगा, अभी भी लोग लगे हुए हैं, आप बातें कर रहे हो, अभी भी लोग खड़े हैं वहाँ पे। और सर आपने इतना पॉलिटिकली ये घुमाई है सर, ये बात प्लीज़ सर, मैं आपसे सिर्फ एक पॉलिटिकल वर्ड में, एक प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, एक मैन टू मैन कह रहा हूँ, एक जॉब मांग रहा हूँ सर मैं आपसे अपने छोटे भाई के लिए। इतना नहीं दे सकते हो क्या यार आप लोग, इतना नहीं बोल सकते इस बात के लिए, मुझे बार बार कहना पड़ेगा क्या? संबित पात्रा, क्या आप इस परिस्थिति को समझ सकते हैं? एक बच्चा बात कर रहा है, आप मत बोलिए, जिसने अपने पिता को गवाया है अभी अभी, जिसके ऊपर इतना बोझ डाल दिया जाता है ये कह के कि देखो तुम्हारे पिता शहीद हुए, ये पूरा देश तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हें गर्व होना चाहिए, वो सामने खड़े भविष्य को देख रहा है और आपसे एक अश्योरेंस मांग रहा है कि क्या ये सरकार उसको इतनी अश्योरेंस भी नहीं दे सकती कि उसके पिता ने अगर देश के लिए गोली खाने से पहले नहीं सोचा तो देश भी उसके साथ खड़े होने से पहले सोचेगा नहीं? देखिए, मुझे लगता है कि मोहित ने अपनी सूझबूझ दिखाई है और अपने बुद्धिमता भी दिखाई है कि बहुत ही सही तरीके से उसने परिस्थिति को हम सबके सामने रखा है। और आपने अगर सुना होगा, इससे पहले हमने आश्वासित किया है, बार बार राजनीतिक कंठ का प्रयोग करते हुए, राजनीति अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो मुझे लगता है कि ये फलानी सरकार है, ये आपके लिए बिल्कुल करेगी, तो मुझे लगता है देशवासियों को भी अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ जो बड़े अफसर बैठे हैं उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ खुद BSF के पूर्व DG बैठे हैं, एक प्रोटोकॉल होता है, किसी परिवार को, मैं इतना बिल्कुल अपने हृदय से कह सकता हूँ, कोई भी सरकार हो, किसी भी परिवार को जो आर्मी में है, जिसका शहादत हुआ है, उसको कभी भी सड़क पे नहीं छोड़ा जाता है। सरकार हमेशा के लिए, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो भारत की सरकार है, भारत हमेशा ही इन परिवारों के साथ, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर करके देश को बचाया है, उसके साथ खड़ा होता है, अभी भी खड़ा होगा, भविष्य में भी खड़ा रहेगा, कभी इनको झुकने नहीं देगा। आपको यहाँ पे भी लग रहा है कि पार्टी लाइन है, मुझे उसके अंदर बंद के बयान देना चाहिए, बड़े सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, मुझे उनको फॉलो करना चाहिए, जबकि वो बच्चा बार बार कह रहा है कि सर पॉलिटिसाइज मत कीजिए, उसको तो पॉलिटिकल लाइन पे मत सोचिए, उसको सिंपल ऐसे सोचिए कि आप इस देश के एक नागरिक हैं। सर मैं चलता हूँ सर, देखिए बस आप लोग समझ, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं रोहित जी, आप पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मोहित, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं चलता हूँ। सुनने के बाद आप इस बात को कुछ कहना चाहते हैं, आपके मन में फिर कुछ आ रहा है तो बोलिए, खुल के बोलिए अपनी बात, रोकिए मत अपने आप। नहीं सर, नहीं सर, आपको इनकी बातों से भरोसा होता है? मैं इससे स्पष्ट भाषा में कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं पहले कह चुका हूँ मुझे पॉलिटिसाइज नहीं करना है। सर ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं, एक आप इतना नहीं कह सकते हो क्या नेशनल TV पे कि हाँ आपको जॉब मिलेगी, कितनी सी बात मैं आपको कहने में, कोई बात नहीं है, मैं अपने आप कर लूंगा, आप लोग नमस्कार मेरा देश से, और मुझे गर्व जरूर मिलेगा, मेरे पापा की जॉब ही क्यों, मैं भी अपने नेशन पूरी अश्योरिटी मिलेगी देश से। धन्यवाद। नहीं रोहित जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ मोहित को कहे कि जॉब तो छोटी सी चीज है, सबको जॉब मिलेगी घर में, और पूरी पेंशन अश्योरिटी कि भविष्य में सुरक्षित रहिए पूरा परिवार, ये तो बहुत छोटी सी चीज है, इतना तो यह देश जरूर ही देगा, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कभी भी नहीं किसी को यतीम बना के सड़क पे नहीं खड़ा किया। देश को छोटी चीज नहीं सर, मैं एक बात कहता हूँ, नहीं सर जरूर जॉब मिलेगी मेरे भाई, बिल्कुल जॉब मिलेगी सर, आप मेरी एक बात सुनिए, मैं आपको एक बात आपको मिलेगी, आपके भाई को भी मिलेगी, बड़ी चीज है, बड़ी चीज है सर। बोले मोहित, बोले बस सर, मैं इतना कह रहा हूँ,
आप मेरी इतनी आप इतनी बात सुनिए सर मेरी, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ, आप हमें छोटी चीज़ देते हो, बड़ी चीज़ों से हम बनाते हैं। अब यहाँ बैठे हुए हैं इतने बड़े बड़े लोग, उन्हें पता है हमें बस छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं, और देश की सेवा करने के लिए हम सारे आगे रहते हैं और रहेंगे, पर हमें छोटी छोटी चीज़ों में मदद चाहिए आपकी, क्योंकि हमने ही कहीं ना कहीं इस देश को आगे चलाना है एक एक को। ठीक है, आई एम फीलिंग प्राउड। ठीक है, अब मैं इस बारे में और पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहूँगा, मैं अपना मैसेज कन्वे कर चुका हूँ। ठीक है, आपको जो आपको करना है, आप लोग ऑल एनालिस्ट आप बैठे हुए हो, ठीक है, वट एवर पाकिस्तान जो भी आपको है, जैसे सेपरेट इशू, प्रैक्टिकल इशू पे मैंने आपको बता दिया है, जस्ट रीच अस आउट, हेल्प अस आउट। जय हिंद, जय भारत, देश को मेरा पूरा नमस्कार कि उन्होंने इस लायक समझा। ये मोहित है, शहीद नरेंद्र सिंह के बेटे, पीके मिश्रा साहब। वो बच्चा कह रहा है मेरे सामने पूरा भविष्य खड़ा, मेरा छोटा भाई है, मेरी माँ है, मेरे पिता शहीद हो गए, लेकिन उस गर्व के सहारे मैं उनका पेट नहीं भर सकता। क्या आपको लगता है कि संबित पात्रा की अश्योरेंस से उसको ये तसल्ली होगी या हो गई होगी कि ये देश उसके साथ वाकई खड़ा है, केवल कहने भर की बात नहीं है? रोहित जी, मैं क्लियरली बताता हूँ, जो चीज़ मैंने मोहित को बहुत अच्छी तरह सुना, मोहित मेरे बेटे जैसा है, वो मेरे फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि हम BSF के फैमिली हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, संबित पात्रा जी मेरे पास बैठे हैं, जो चार अभी शहीद हुए थे 13 जून को, उनको भी वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया गया है। जो चीज़ शहीदों को मिलता है डिफेंस में, उनको इनको नहीं मिलता है। मैं संबित पात्र से रिक्वेस्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट को बता करके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिफेंस को बता करके, जो वन रैंक वन पेंशन जो मोहित ने अभी बता रहा था, मैं उनसे सुना है, उन लोगों को मिलना चाहिए। इसमें भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए शहीद हुआ है, उसमें कभी भी कहीं भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। संबित पात्रा जी एश्योरेंस दे कि उसको ये चीज मिले। पॉलिसी मैटर हो सकता है जिसपे सरकार ये कह सकती है, मीटिंग बुलाएंगे, बैठक करेंगे, कमेटी बनाएंगे, वो सारे सोचेंगे, सोचने के बाद बताएंगे। एक बच्चा टीवी पर बैठकर जयवीर शेरगिल ये कह रहा है कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, इस बात को कहने में 5 मिनट मत लगाइए, मेरे पिता ने जान देने के लिए 5 मिनट सोचा नहीं था, हम उसको टीवी पे वो अश्योरेंस नहीं दे पा रहे। नहीं दिया तो हमने कहा ना कि नौकरी जरूर मिलेगी। और देखिए तो एक बात रोहित जी, आप रोहित जी मैं आपको एक बात बता दूं, वन रैंक वन पेंशन को लेके जिस बात पे आर्मी और BSF के बीच में कंटेंशन है। अच्छा आपने उनसे पूछा, आपने मुझे लगा आपने उनसे पूछा। अच्छा सॉरी, मुझे लगा आपने उनसे पूछा। एक बार वो बोल ले फिर आप वापस। सॉरी सॉरी, मुझे लगा कि आपने मुझसे पूछा। नहीं, फिर मैं आपको वो बयान भी सुनवाऊंगा मोदी जी का 56 इंच वाला, जिसको सुनने के बाद आपको ये मुझे, मैं चाहूंगा कि वो आपको चुभे आज। नहीं, नहीं। और चुभे तो कम से कम आप उस जोर के साथ उस बच्चे को कम से कम ये तसल्ली दे देते जिस जोर से आप कह रहे थे कि 10 से। रोहित जी चिल्लाना आवश्यक नहीं है, आपने कहा कि अश्योरेंस नहीं दिया जबकि टीवी पे अश्योरेंस दिया गया, और आप आर्मी और BSF के बीच में लड़ाई करवाने की कोशिश ना करें। मुझे नहीं चाहिए था वो अश्योरेंस, उस बच्चे को चाहिए था। आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, आप मानते हैं उस बच्चे ने अश्योरेंस मान लिया आपका? देखिए मैं, आपको लगता है कि वो आपकी बात से तसल्ली बख्श होके गया? रोहित जी मैं एक बात बताऊं, आपको लगता है उस बच्चे ने एक बड़ी बात कही कि पॉलिटिसाइजेशन मत करिए, अश्योरेंस जैसे देना चाहिए था वैसे अश्योरेंस दिया गया। देखिए रोहित जी, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, आपको लगता है कि उसको तसल्ली हो गई आपकी बात? रोहित सरदाना यहाँ बीजेपी कांग्रेस लड़ाना चाहता है, मैं वो बात नहीं करना चाहता। लग गया सर, मत लड़िए, मुझे कांग्रेस की जरूरत नहीं है आपसे लड़ने के लिए। मैं इस देश का नागरिक हूँ, जिस दिन मेरे देश के जवान सरकार के लिए जाएगा पाकिस्तान, मैं सवाल पूछूंगा आपसे कैसे अश्योरेंस। आप बोल रहे कि वन रैंक वन पेंशन BSF को दिया जाए, आर्मी मना कर रही है, मैं आर्मी और BSF लड़ाई करूंगा यहां पे भी। तो सरकार कह देगी हम कमेटी बनाएंगे, आप बताइए। बच्चे को तो आर्मी एक चीज मना कर रही है, BSF एक चीज कह रही है, यहाँ पे वन रैंक वन पेंशन BSF को दिया जाए, आर्मी के खिलाफ कैसे बोल सकता हूं? वन रैंक वन पेंशन का शब्द नहीं निकला है अभी, आप वही कर रहे हैं जो आप करते आए लगातार, और जिसकी वजह से वो बच्चा कह रहा था कि साहब हमारे साथ कम से कम ऐसा मत कीजिए, हमारे पिता ने आपकी रक्षा के लिए 2 मिनट सोचा नहीं। बच्चे ने बार बार आपको कहा पॉलिटिसाइज मत करिए, बार बार आप पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एश्योरेंस के लिए कहा, हमने एश्योरेंस दिया, जनता ने देखा है, उन्होंने कहा कि एक नौकरी चाहिए, मैंने कहा आपको भी नौकरी, आपके पास सरकार है। नहीं रोहित जी, आप ऐसा बोलते हैं डॉक्टर साहब, रोहित जी मैं आपके साथ हूं, पार्टी का इकबाल कम कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं रोहित जी, एश्योरेंस दिया गया, मगर आपका कहना कि एश्योरेंस नहीं दिया गया ये बिल्कुल गलत है। आपको महसूस हुआ वो एश्योरेंस कहना कि आर्मी को दरकिनार करके BSF को वन रैंक वन पेंशन देना चाहिए, मैं BSF का सम्मान करता हूं, मगर मैं आर्मी नहीं पा रहा। उत्तर प्रदेश की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप YouTube पर जाकर यूपी तक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook पर लाइक भी कर सकते हैं और Twitter पर फॉलो भी।